कैंपिंग ट्रैवल इंडिया के एपिसोड में मैं आपको ले चलूँगा हटू पीक, जहाँ स्नो ट्रैक, कुकिंग, स्नो मेल्ट करके पानी बनाना और अपने फेवरेट मैगी को खाना, स्नो में कैंपिंग, जंगल से लकड़ी इकट्ठी करना और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में है। ये है हाटू पीक और हम कर रहे हैं स्नो कैंपिंग। कैसे जाएंगे यहाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ के बस स्टैंड से। चाहे वो सेक्टर 17 का बस स्टैंड हो या फिर सेक्टर 43, यहाँ से लेंगे आप बस ISBT शिमला जाने के लिए। AC बस 350 रुपये की है और नॉर्मल बस 140 रुपये में। ये आपको ड्रॉप करेंगे ISBT शिमला और यहाँ से आप बस लेंगे नारकंडा के लिए, जो 62 रुपीज़ में है सिर्फ। खूबसूरत सफ़र है दोस्तों, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत सड़क। करीब 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे नारकंडा। हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं। ये बोर्ड आपको बताएगा जिस पे लिखा है वेलकम टू नारकंडा। और ये है नारकंडा का बस स्टॉप। यहाँ बस से उतरिए और कैंपिंग करने के लिए जितना भी जरूरी सामान है यहाँ की शॉप से आप ले लीजिए। सामने जो हरा बोर्ड लिखा है उस पर लिखा है कि ये रोड आपको लेकर के जाएगी थानेदार की तरफ। तो थानेदार की तरफ आप जाएंगे और ये वो जगह है जहाँ से आपको 3 रास्ते एक साथ दिखेंगे। तो ये जो रास्ता बीच में है ऊपर की तरफ जाता हुआ, यहाँ से आप जाएंगे हाटू पीक की तरफ। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है नारकंडा से और ये है पहला पड़ाव जो 3 किलोमीटर के बाद आएगा। इसे कहा जाता है गुजर कोठा। बहुत खूबसूरत जगह है और अगले 3 किलोमीटर पूरे करके आप पहुंच जाएंगे नारकंडा हट्टू माता के मंदिर पर। ये है वहाँ का एंट्री गेट। लकड़ी का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर। आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ हमने अपने लिए पानी की बॉटल्स फिल की और हम निकल पड़े कैंपिंग करने के लिए। कैंपिंग करने के लिए 2 जगह यहाँ पर, आप इस मंदिर के प्रमाइसिस में कैंपिंग कर सकते हैं या हमारी तरह एक जगह है जिसे कहा जाता है जोरबाग, वहाँ जा सकते हैं कैंपिंग करने के लिए, जो हाटू माता के मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कैंपिंग नहीं भी कर रहे हैं इस जगह पर या अगर आप कैंपिंग कर रहे हैं प्रमाइसिस में, तो भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जोरबाग ज़रूर जाएं। ये 2 किलोमीटर का खूबसूरत ट्रैक है, यहाँ जाना मत भूलिए। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
से जा, पूरा टाइट कर लो, सेंटर में। हो गया ना? यार लेके चलोगे? तो जहाँ हम कैंपिंग करने वाले हैं, इस जगह का नाम है चोर बाग। यहाँ मैं टेंट सेटअप करता हुआ स्नो कैंपिंग खुद में ही शानदार एक्सपीरियंस है, और अगर आपके साथ ग्रुप है, कोऑपरेटिव है, तो कैंपिंग का मज़ा ही अलग है। लीजिए, हम अपने लिए टेंट का सेटअप लगा चुके हैं और वक्त हो चला है कुछ मस्ती करने का। दोस्तों, ये जगह ही ऐसी है, यहाँ जाकर आपके अंदर का बच्चा बाहर निकल आएगा और नीचे स्लाइड करके जाना इस प्लास्टिक बैग की मदद से। वाकई एक शानदार एक्सपीरियंस है, हम सब ने खूब मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। अब वक्त हो चला है खुद को कुछ एनर्जी देने का, और हम सब ने बनाई अपने लिए ब्लैक कॉफी। बहुत ही अच्छी ब्लैक कॉफी इस टाइम हम मजे ले रहे हैं। आग जला दी है, कोशिश नहीं कर रही है, और सभी लोग हैं। हाँ यार, आग जल गई। अब ये देखो सब लोग, चीयर्स एवरीवन। गाइस जल रही है। हाँ, एक मैडम टेंट में जो दिख नहीं रही है। बाय बाय गाइस। पाइप पड़ा वो फूंक मारने वाला, फूंक मारने वाला पाइप है क्या? फूंक नहीं मारने को आग आ जल रही है आग। जंगल में जहाँ स्नो हो, गीली लकड़ी को जलाना वाकई खुद में एक टीडियस सा टास्क है, जिसको कुछ लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पेन तो उठाया नहीं, नाम कैसे लिखेंगे? मेरे पास हमेशा पेन है। वाह यार, मैंने आज लिया यार, मुझे ताली। चलो हम लिखते हैं अपने पास। मुझे नहीं चाहिए, ये भी लगा दो, सिगरेट रख लो। हां तो मुझे लगता है चल रहा है। कॉफी अच्छी थी यार, एक और पैकेट पड़ा है, चिंता मत कर। नहीं, ऊपर रात को जला पी लेंगे ना। चाय से तो ज्यादा अच्छी, मेरे को चाय से ज्यादा अच्छी लगी यार ये। भाई कॉफी यहाँ पी लो, रात को बराम पीते हैं। वो तो हम पियेंगे ही, लेके थोड़ी ना जानी है वापस। दो हाफ पड़े यार, दो क्वार्टर तो गए थे। हाँ तो दो हाफ पड़े हैं ना, और क्या बिंदास, हाफ बहुत है भाई। और तो पानी भी छोड़े नहीं है। आजो आप देख लो, पानी तो आज हमारे पास काफी है। ये जगह सबसे बेस्ट है यार, वहाँ तो फालतू में चल रहे थे कल। यहाँ तो हवा नहीं लग रही बिल्कुल, यहाँ हवा लग रही है। आग कितनी आराम से चल रही है, लकड़ी कितनी नजदीक है। बनाई तो बहुत बढ़िया है, आज का शाम का भी। अरे इस मैगी की रेसिपी बहुत शानदार है, जिसको हमने नोट किया और जानता कि आने वाले ट्रिप पर इसे फिर से यूज कर सके। इतनी दूर क्यों तुम? ऐसे हो, सब आएंगे, सबको आना पड़ेगा, मैं तो नहीं आ सकता। हाँ सब आ गए फोटो में, अब सब आ गए। नहीं नहीं, मैं नीचे से उठा खा लूंगा। नहीं नहीं, नीचे से क्यों, सभी शेयर कर लेंगे। फोटो खींचो पहले, आप छोड़ो, गिर गया फोटो खींचो। ओ यम्मी है यार, बहुत यम्मी यार, आप पहले खा लो, रेसिपी मिल गई। लो जी,
अब इधर वालों की बारी, ये लो प्लेट लाओ। लो जी बातें करते हुए, खाना बनाते हुए, खाते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, पता ही नहीं चला कब रात हो गई। एक एक करके सब लोग अपने अपने टेंट्स में सोने के लिए चले गए। और अगले दिन जब हम सुबह उठे तो एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज ने हमारा स्वागत किया। जब आप इस तरह की कैंपिंग ट्रिप पर होते हैं तो वक्त का अक्सर रात को पता नहीं चलता। आप बैठे हुए एक दूसरे के साथ किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। ये है खूबसूरत सुबह, हम सनराइज के पहले उठ गए। इस खूबसूरत से सनराइज को देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम वापस चलते हैं। तो एक एक कप चाय पीने के बाद हमने अपने टेंट समेटे और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस निकल पड़े। जोरबाग खूबसूरत जगह है, हाटू पीक, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। नारकंडा से सिर्फ 6 किलोमीटर की ट्रैक पर आप यहाँ गाड़ी बाइक लेकर के ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं हमारी तरह। ये वही रास्ता है जिससे आप चलकर जोरबाग पहुँचे थे। वक्त हो चला है वापस जाने का। जोरबाग में कैंपिंग करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर लोग कैंपिंग करने के लिए हाटू पीक पर माइसिस में जो पीक है वहीं पर करते हैं। ये भी हमारा ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम है और हम खुद से एक वादा करके कि एक बार फिर यहाँ पर आएंगे। निकल पड़े हैं चंडीगढ़ वापसी के लिए क्योंकि स्नो है तो आप हाटू पीक से 2 किलोमीटर नीचे तक ही तक भी पैदल ही चल करके आएंगे क्योंकि गाड़ी इस स्नो में ऊपर 2 चोटी तक नहीं जा सकती है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। लव यू हाटू पीक। आप भी अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो डायरेक्शन जो मैं आपके साथ शेयर की है उसको आप फॉलो करते हुए आप पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय अंटिल वी मीट सून। अलविदा तब तक के लिए जब तक हम फिर से नहीं मिलते।